नमस्ते सलाम सत श्री अकाल राम राम। मैं हूँ अनुकृति शर्मा और मैं करती हूँ आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरजे अनुकृति शर्मा में। और आप सभी ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सो, इतने दिनों से आप मुझसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे थे तो मैंने सोचा आज उसका वीडियो बना देती हूँ। तो वो क्वेश्चन था मेल और फीमेल पैरोट में डिफरेंस कैसे करें। तो देखिए, टीटू साहब मेरे बालों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक टीटू मेरा बाल बनाता है ना, आप सभी जा करके कान्हा के लिए जो आप कह रहे थे कि हमें कान्हा का वीडियो देखना है, कान्हा का वीडियो देखना है, तो चलिए मैं आपको अभी कान्हा का वीडियो दिखाती हूँ जो बहुत ज्यादा सीधा है या सीधा बनने की कोशिश करता है। तो उसके बाद लौट के आएंगे और हम आपको बताने वाले हैं मेल और फीमेल पैरोट में डिफरेंस। ओके, तो चलिए। क्या हुआ, फिर से घुमाओ, मजाक है। 1 2 3 ओ काटो, फिर चाट दो, काट दिए तो मुझे। तब बोलते हैं बहुत सीधा है, देख लो इसको सीधा। कितने शांत हो बेबी तुम। किसी दोगे? तो हम जो बात कर रहे थे वो मेल और फीमेल पैरोट के डिफरेंस के बारे में कर रहे थे, लेकिन उसके पहले आपने जो वीडियो देखा कान्हा का, मुझे पता आप सभी को अच्छा लगा होगा और इसकी शैतानी या आप कह सकते हैं मूड आपके सामने आ गया होगा, राइट। लेकिन अब हमारी बातें जो मेन है वो हम कर लेते हैं मेल और फीमेल पैरोट के बारे में। तो ये जो नाच रहा है वो मेरा टीटू है और ये जो बाजू में बैठा है वो कान्हा। तो ये दोनों मेल पैरोट्स हैं और ये मेरी जो बेटी है ना वो ट्वीटी, ये फीमेल पैरोट है। ओयो ओयो ओयो, ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होती है। फीमेल पैरोट्स के बारे में बताती हूँ, ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होती है और अगर मैं धोखे से इसको ध्यान ना देके इन दोनों में से किसी को ध्यान दे देती तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और इनको दौड़ा दौड़ा के उड़ उड़ के मारती है। सो एक इनके पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं जो ज्यादा चिड़चिड़ाए और अगर आप केज में रखते तो एक कोने में जाके बैठ जाए और अगर ये खुले रहते, जैसे मेरे यहाँ खुले रहते हैं, तो ये ना किसी भी बिस्तर के नीचे या पर्दे के ऊपर ऐसे जाके चुपचाप बैठ जाती है अगर मैं नहीं होती हूँ तो। और ये दोनों अपना बोलते रहेंगे, नाचते रहेंगे, मस्ती करते रहते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि डिफरेंस किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो मेरे एडल्ट मेल पैरोट्स हैं उनके, जैसे टीटू अभी उतना बड़ा नहीं है तो उसका रिंग आना स्टार्ट हुआ और कान्हा का पूरा रिंग आ चुका है। ब्लैक एंड रेड में इसका रिंग है, या कह सकते हैं लाइट डार्क पिंक, राइट। सो आप ऐसे पहचान सकते हैं अगर आपका पैरोट एडल्ट है। और फीमेल के में तो रिंग होता नहीं है अगर एडल्ट भी होती है तो। अब आप पूछेंगे कि अनुकृति हम बेबी पैरोट्स के बारे में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास बेबी पैरोट है तो आप सबसे पहले उसका चोंच देखिए, जैसे कि मेरी ट्वीटी का चोंच है ना, तो ये जो है ना वो थोड़ा ऑरेंज के शेड में रहेगा, मतलब डार्क रेड नहीं रहता। और जो ये चोचरू है यानी कि मेरा टीटू है, उसका थोड़ा डार्क कलर में शेड में रेड है और कान्हा का भी थोड़ा डार्क शेड में है। सो आप इससे एक पहचान सकते हैं अगर आपका बेबी पैरोट है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बेबी पैरोट के सर को देखिए, अगर वो मतलब कि ऐसा राउंड शेप में गया हुआ है, जैसे इसका राउंड गया हुआ है ना ऐसे टकलू जैसा, तो वो फीमेल पैरोट है। और अगर आपके पैरोट का जो सर है वो इनके जैसा गया हो, जैसे इनका राउंड नहीं, इनका रेक्टेंगल के शेप में है, यानी कि थोड़ा सा डब्बा, या कह सकते हैं कि ऐसे सीधा जा चुका है, ऐसा नहीं घूम के नहीं गया है। जैसे कान्हा का भी आप देख सकते हैं, इसका भी राउंड नहीं है। और इनका जो ये पार्ट होता है ना थोड़ा नीचे होता है और ये ऐसे ऐसे करके बढ़ा लेते हैं नाच नाच के। अच्छा, नाचने से याद आया, अगर
आप मिरर के सामने अपने पैरट को लेकर के जाते हैं, है ना। वो बच्चे पैरट तो मुझे नहीं लगता कि उतना रिएक्ट करेंगे, बट हाँ अगर आपका पैरट थोड़ा बड़ा हो चुका है, अगर आप उसको मिरर के सामने लेके जाते हैं और वो नाचना स्टार्ट कर देता है जैसे ये कर रहा है, ये तो खैर अभी ऐसे नॉर्मल डांस कर रहा है, बट अगर वो मिरर के सामने जाके डांस करता है और अपने फेदर से हार्ट का शेप बना लेता है ऐसे ऐसे करके, तो वो मेल पैरोट है। और फीमेल को अगर आप मिरर के सामने रखेंगे तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है या इग्नोर कर देती हैं, तो वो आप उससे भी पहचान सकते हैं कि आपका पैरोट मेल है या फीमेल है। ओके और क्या है ट्विटी, इनके ना जो गाल के पास का जो हिस्सा होता है ना, जैसे ट्विटी का उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जो टीटू है ना उसका अलग से ही सुंदर मतलब शाइनिंग ब्राइट रहता है। और इनका मेल पैरोट्स का जो कलर होता है ना वो थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन रहता है, मतलब सुंदर अलग सा कलर होता है। और ये फीमेल पैरोट्स का ना डल रहता है, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ता है क्योंकि ये समझ जाती है कि इसके बारे में बात हो रहा है, सुंदर और नहीं सुंदर समझ आता है ना बेटी तेरे को किसी दे चल नहीं तो ओके किच्ची मेरे को कान्हे से ले लू कान्हे किच्ची थैंक यू। सो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपका मेल पैरोट है या फीमेल पैरोट है। ये मेरी जलन कुकड़ी है, ये बहुत जलती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाती है। जो फीमेल पैरोट होती है ना, ओह सॉरी, फीमेल पैरोट होती है ना वो अगर आप इन्हें देखें तो ये हमेशा, जैसे मेरी जो ट्वीटी है वो हमेशा या तो ऊपर उड़ के बैठ जाएगी पर्दे के पास, और हम एसी ऑन करते हैं तब फैन ऑफ रखते हैं जब ये ऊपर जाती है, और अगर ये ऊपर जाने का सोचती और हम देख लेते तो हम फैन ऑफ करके एसी ऑन कर लेते। तो फैन में कभी भी अपने पैरट्स को ना छोड़ें, और हमने ऐसी भी ट्रेनिंग दी कि अगर इन्हें उड़ना होता तो फैन के नीचे से उड़ती, आप ऐसे भी ट्रेन कर सकते हैं। सो ट्रेन क्या मतलब उनकी खुद को हम उन्हें समझाए हैं, कैसे समझाएं ये मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट आप उन्हें अगर फैन के सामने छोड़ते हैं तो मैं कहूंगी कि दिन भर उनके ऊपर ध्यान रखें, है ना। और जैसे ये एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती है, मतलब इन दोनों से दूर चले जाती है और अकेले अकेले, या तो मेरे पास आके चिपक जाएगी जैसे आपने देखा वो वाले वीडियो में जिसमें ट्वीटी सो रही है, और एक वीडियो में जिसमें मुझे उठा रही है। सो वो हमेशा मेरे से चिपके रहती है और ये दिन भर ऐसी नाचते कूदते रहता है। और ये जो इतना शांत दिख रहा है ना, इसका तो आप रूप समझ ही नहीं पाएंगे अगर आप सामने रहेंगे। दिन भर मेरा नाम चिल्लाते रहेगा, दे दे मुझे खाना दो, मुझे प्यार नहीं करते क्या, बहुत कुछ बोलते। चलिए मैं एक ना वीडियो ऐसे ऑन करके छोड़ दूंगी और उसको भी पोस्ट कर दूंगी। सो ये था डिफरेंस मेल और फीमेल पैरोट के बारे में। अब और क्या है प्रीटी, एनीथिंग एल्स? अच्छा हाँ, मेल पैरोट्स ना ज्यादा सुंदर होते हैं, यानी कि ज्यादा हैंडसम होते हैं फीमेल पैरोट्स के मुकाबले, अलग से अच्छे लगते हैं वो। और फीमेल पैरोट्स तो अगर ये आपसे प्यार करती हैं फीमेल पैरोट्स, फिर मतलब या तो वो प्यार करेंगी तो ऐसे प्यार करेंगी कि आपको और कोई उतना प्यार कर ही नहीं सकता, और अगर आपसे चिढ़ेंगी तो हाँ तो ऐसे चिढ़ेंगी कि आप फिर और आपको अपने पास भी नहीं आने देगी, है ना टीटू। टीटू से अगर चिढ़ जाती है ना तो उसको मारती है दौड़ा दौड़ा के, अगर मैं टीटू को ज्यादा प्यार कर देती हूँ या कान्हा के पास चले जाती हूँ तो। ये बहुत समझदार है, इसे सब समझ आता है, बात हर बात समझती है ये, और इसके लिए मैंने इसे बहुत सारा अपना टाइम दिया है, अपना प्यार दिया है, इनफैक्ट मैं सबको दी हूं तभी ये मेरे साथ इतने कंफर्टेबल। और आप देख सकते हैं, आप सोचते होंगे मैं वीडियो बनाती हूँ तो ये इतने शांत कैसे बैठ जाते हैं, और जब मस्ती वाला वीडियो रहता है तो कैसे बोलते हैं, तो इन्हें पता है कि मैं कब और मतलब किस मूड में हूँ, मैं इनसे मस्ती करने के मूड में हूँ या आपसे बातें करने के मूड में हूँ, हाँ है ना टीटू। चलिए अब बारी आती है मेरे चैनल की, तो आप प्लीज इस वीडियो को तो कम से कम मुझे 1000 प्लस लाइक दे दीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना और शेयर करना ना भूलें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सभी को सिखा, आप सभी को बताने के लिए। सो अगर आपको ये इस वीडियो में कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, इंस्टाग्राम में बताइए, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना ना भूलें, एंड प्लीज
सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और व्लॉगिंग का वीडियो कैसा लगा आप सभी को? मेरा एक्चुअली फर्स्ट ट्राई था, मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है, बट ठीक है, मैं और भी अच्छे से वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। वो तो मतलब जस्ट अ ट्राई था, काफी हद तक आप सभी को अच्छा लगा, बट मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे लाइक्स की कमी लग रही है। प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और पॉटी आ रहा है इसको, हो गया, देखिए नीचे इसने पॉटी किया है, ये देखिए। आई डोंट नो आपको दिखा कि नहीं, बट ये हमेशा अगर इसे पॉटी आती है ना तो ये मेरे से दूर हट जाती है और पॉटी करती है। अगर ये मेरे साथ सोई रहती है ना तो जैसे वो हमेशा मुझे हक करके सोती है, तो वो निकल के आती है बेड के कॉर्नर पे और पॉटी करके चले जाती है। इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर मुझे इस वीडियो में 3000 प्लस लाइक मिलेंगे तभी मैं पॉटी वाला वीडियो बनाऊंगी, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग देने वाला वीडियो बनाऊंगी। तब तक तो नहीं बनाऊंगी जब तक 3000 प्लस लाइक्स नहीं होते। सो प्लीज 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 डू लाइक माई दिस वीडियो एंड सारे वीडियोज को जाकर लाइक कर दो, दो ही सेकेंड लगेंगे, दो ही मिनट लगेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और स्वीकार कीजिए हम सभी का थोड़े दिनों में सीख जाएंगे प्यार भरा नमस्कार। लॉट्स ऑफ लव एंड